गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं संदीप और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आ गए थे रात जोशीमठ, और जोशीमठ में अभी हम हैं और यहां से निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। अभी जो है 9:50 हो रहे हैं, तो 10 बजे करीब हम निकल रहे हैं यहां से और मिलेंगे आपको रास्ते में बाइक पे। तो चलो चलते हैं, फिर बाइक पे मिलेंगे और उसके मिलाते हैं आप, यानी कि दर्शन कराते हैं आपको बद्रीनाथ के। तो चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा होटल जहाँ हम रात रुके थे, होटल त्रिशूल। और जो हमारा रूम है वो हमने यहीं लिया था और यहीं रुके थे। जो हमारा रूम है वो हमें यहाँ पड़ा था 600 रुपये में। और मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ जहाँ रुके थे। दोस्तों, ये रूम, बस हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमारा सामान पैक है सब। और ये रूम था जो कि हमें 600 रुपये का पड़ा था, बहुत ही बढ़िया मिल गया हमें यहाँ पे रात को। दोस्तों, ये है जो हमारे रूम से जो व्यू है यहाँ का, और इधर हमारा रूम था, इधर था ये, और यहाँ से देखो व्यू। तो दोस्तों, अभी हम निकल रहे जोशीमठ से, और जोशीमठ से जाएंगे हम सीधा बद्रीनाथ धाम, और मिलते हैं आपको रास्ते में, जो भी होगा दिखाएंगे रास्ते का किधर किधर से जा रहे हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो दोस्तों, मिलेंगे आपको रास्ते में और आगे। अभी हम चल दिए हैं जोशीमठ से, तो चलिए फिर चलते हैं आगे। ये यहाँ पर आर्मी एरिया छोटा सा, और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं जोशीमठ से नीचे की तरफ, यानी कि बद्रीनाथ की तरफ। अभी हम ऊंचाई पे थे, अब हम नीचे नीचे जा रहे हैं, और जो रास्ता है उधर से जाएगा बद्रीनाथ धाम के लिए। और हम अभी चल रहे हैं आगे। तो हम आ गए जोशीमठ से नीचे की तरफ, यानी कि जहाँ से रास्ता जा रहा है बद्रीनाथ धाम के लिए, बस थोड़ा सा रह गया है। बद्रीनाथ धाम यहाँ से 40 किलोमीटर है, और हम चल रहे हैं धीरे धीरे। हमारे जो एक राइडर है सुशील भैया, वो पीछे रह गए थे, तो मैं आराम से चल रहा था, काफ़ी आराम से। तो यहाँ से रास्ता जाएगा, ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये रास्ता जाएगा बद्रीनाथ धाम के लिए ना, ये सामने वाला रास्ता जाएगा। और हमें ये पुल पार करना है, अभी ये जो सामने पुल है ना, ये पार करना है, और उधर को जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से देखो अलकनंदा नदी, जो अलकनंदा नदी है वो यहीं से आगे जा रही है। ये देखो, ये है अलकनंदा नदी। और जो हमें जाना है ना, इस रास्ते से जाना है आगे, और जो आप देख रहे हो। तो चलते हैं। जयप्रकाश पावर प्लांट लगा रखा है उन्होंने। तो दोस्तों देखो, सामने एक चरखा सा रखा है, पता नहीं क्या है ये, शायद जो प्लांट लगा है ना, उसकी जो अंदर जो चलता है पानी में, वो है ये। और हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। इधर से आप हेमकुंड साहिब भी जा सकते हो, जो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है वहां भी जा सकते हो। और फूलों की घाटी भी इधर को जाते हैं, जो फूलों की घाटी है वो भी इधर से जाते हैं। रास्ते में मिलेगी फूलों की घाटी का जो रास्ता है, पैदल ट्रैक करना पड़ता है उसके लिए, तो वो भी रास्ते में मिलेंगे हमें। और हम चल रहे हैं आराम आराम से, और यहाँ के नजारे देखो आप। जो मेरे राइट साइड में जो जा रही है नदी, वो अलकनंदा नदी है, और हम चल रहे हैं आगे और इधर से जाएंगे। तो दोस्तों, मिलेंगे आपको आगे थोड़ा सा। मैं जो है GoPro जो है ना, बैटरी के लिए बोल रहा है, तो बैटरी चेंज कर लेता हूँ उसकी, बैटरी के लिए बोल रहा है भाई साहब हमारा, तो उसको बैटरी लगा। तो दोस्तों, मैंने GoPro की बैटरी चेंज कर ली है, और अब मैं निकल रहा हूँ आगे की तरफ। सुशील भैया मेरे से आगे है, मैं GoPro की बैटरी चेंज करने लगा था, और मैं निकलता हूँ अब। और दोस्तों, यहाँ से जो रोड है ना, थोड़ा ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है, और थोड़ा सा रोड हमें आगे ख़राब मिलने वाला है, क्योंकि आगे की तरफ ना लैंडस्लाइड जोन जो है वो काफ़ी है,
देखो यहाँ पे रोड बनाया था, यहाँ से गिर गया सारा नीचे, तो ऐसी जगह जगह बहुत ज्यादा रोड खराब हो जाती है, लैंडस्लाइड होती है। देखो यहाँ भी हुआ, यहाँ भी ये कर रहे हैं अपना काम, कर देंगे फिट आगे आने वाले समय में। यहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं मिलेगी, देखो दीवार लगा दी इन्होंने काफी ऊंची। तो दोस्तों ये जो है कार वाला हॉर्न मारे जा रहा है, तो तू भी जा भाई, तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा। तो ये विष्णु प्रयाग, यहाँ पे धौली गंगा मिलती है आगे। दोस्तों हम आगे एक पुल के पास, एक पुल काफी पुराना बना हुआ है, आर्मी वालों ने बना रखा है, आर्मी कलर हुआ हुआ है इस पे। तो देखो यहाँ से ये है अलकनंदा नदी यहाँ से, और हम चल रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ जो है ना दोस्तों पत्थर गिर रहे हैं पहाड़ से, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ही रिस्की जोन है। दोस्तों देखो यहाँ के नज़ारे आप पहाड़ों के, यहाँ जो है ना रास्ते ज्यादा ऐसे ही हैं, क्योंकि ना यहाँ पे पहाड़ों पे से पत्थर ना गिरते ही रहते हैं और लैंडस्लाइड होती रहती है जगह जगह। देखो यहाँ भी लैंडस्लाइड जोन है, यहाँ भी पत्थर गिर रहे थे, तो अभी कार्य भी कर रहे हैं थोड़ा रोड जो है ना चौड़ा करने की, और कटिंग कर रहे हैं पहाड़ों की। तो जैसे कटिंग कर रहे हैं तो पत्थर गिरते रहते हैं, उसकी वजह से भी होता है सब। और यहाँ पे ना पहले वन में था, पहले यहाँ पुलिस वाले खड़े हुआ करते थे, एक इधर एक उधर। तो पहले इधर का छोड़ा कर रहे थे ट्रैफिक, फिर उधर का छोड़ते थे, ऐसे हुआ करता था पहले। अब तो उन्होंने रोड जो है ना चौड़ा कर दिया है, और पहाड़ काट के रोड चौड़ा कर दिया, तो इसलिए अब रोड बना रहे हैं, यानी कि डबल कर दिया है। डबल तो नहीं कह सकते यहाँ, यानी कि दो गाड़ी एक साथ निकल सकती है, ऐसा कर दिया अब इन्होंने। और देखो यहाँ पर, यहाँ के नज़ारे देखो आप पहाड़ों के, यही तो है जो मैं हर बार इधर ही आ जाता हूँ, क्योंकि इनसे ना थोड़ा बोलते ना लगाव सा हो गया है पहाड़ों में। अगर जो मैं महीने दो महीने में पहाड़ों की तरफ नहीं आता, तो मतलब ऐसा लगता है कि हम कहीं गए नहीं, वो पहाड़ों में आके वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है राइड करने की। और पहाड़ों में राइड करने के लिए तो, यानी कि पहाड़ों में राइड करने का मजा ही अलग है, और खासकर बाइक पे। काफी देखो यहाँ पे वन वे हो गया ये, अपने सुशील भाई भी आ गए हैं ये रे, और अब चल रहे हैं आगे। सुशील भाई भी फुल टॉर्क में है, यानी कि बाइक तो टॉर्क में है, उनकी खुद भी टॉर्क में है, फुल खींच के चल रहे हैं। देखो यहाँ भी वन वे हो गया, यहाँ पे एक गाड़ी आएगी सिर्फ, उधर से रोकनी पड़ेगी अगर जो दोनों तरफ से गाड़ी आ गई तो। अभी देखो यहाँ पे, यहाँ भी चौड़ा कर रहे हो ये रोड को, ना की होती है, बड़े बड़े पत्थर आते हैं ऊपर से। और देखो सामने वाला पहाड़ कैसा है, देखो ऊपर तक, ये देखो सामने का नजारा। ये देखो सामने वाला पहाड़,
दोस्तों ये जो पीली कार वाला है ना, ये पीछे से आफत मचा रहा है, भागम भाग भागम भाग। तो हमने सोचा कि इसको आगे जाने ही दो, पहले यही जाए, यही जाके बाबा जी के दर्शन पहले करे, यानी कि बद्री विशाल जी के, तो पहले यही जाए। हम आराम से चलते हैं। राजपूत दोस्तों, रास्ता देखो, अब यहाँ थोड़ा कीचड़ सी हो रही है क्योंकि रोड छोटा है और कीचड़ हो रही है। देखो बना रहे हैं, चौड़ा कर देंगे थोड़े दिन में इसको, यहाँ पे पार्ट कटिंग करके। जो राइट को जा रहा है ये हेमकुंड साहिब, फूलों की वैली और गढ़ियाल करके रास्ता है, वहाँ जा रहा है। बद्रीनाथ यहाँ से 35 किलोमीटर रह गया है और हम चल रहे हैं धीरे धीरे। चलो 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 दोस्तों, जो अभी इनोवा वाला था ना, ये बहुत ही गंदी गाड़ी चला रहा है, हॉर्न बजाए जा रहा है। चल तू रही है, हम भी आराम से चल रहे हैं। अब तेज भगाएंगे तो तुझे तेज जाना, तो तू आगे चला जा, पीछे आके, बिल्कुल पीछे आके हॉर्न बजा रहा है बार बार। ऐसी मेरे पीछे बजा रहा था बाइक के पीछे, और ऐसी सुशील भैया के, सुशील भैया ने तो रोक के सुना दिया उसको, सुना क्या दिया उसने, तो सुना ही नहीं, पर हाँ बोल रहे थे कुछ। जब पता है कि रोड खराब है तो धीरे धीरे चले, रोड पे रिखा भी है, वहां आफत मचा रहा है। कहाँ की झंडी तोड़ ली, मेरा सामने कहाँ भाग गया हमसे आगे, मेरा सामने आफत मचा रहा है ऐसे। ऐसी वो पीली कार वाला था, टैगो वाला, अरे ऐसी ये इनोवा वाला, ये भी आफत मचा रहा है। दोस्तों यहाँ से जो फूलों की घाटी है वो 17 किलोमीटर और हेमकुंड साहिब 20 किलोमीटर। यहाँ से थोड़ा सा आगे तक तो नीचे तक, यानी कि नीचे तक बाइक चली जाती है, उससे आगे जो है ना पैदल ट्रैक है। हाँ हेमकुंड साहिब जी का रास्ता जो, यानी कि पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है ना, यहाँ से जाता है वो। और तो भैया वहाँ की वीडियो बना रहे हैं, और यहाँ के नज़ारे देखो आप, तो भैया भी आ रहे हैं और चलने लगे, आ रहे भैया, तो चलते हैं आगे। तो भैया ने शूट कर लिया, तो हम भी चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे इनके नज़ारे देखो, गंगा जी के, यानी के अलकनंदा नदी है, कम है क्योंकि ऊपर बर्फ जम गई है, तो पानी अब आएगा नहीं, धीरे धीरे हल्का हल्का पानी आएगा क्योंकि ग्लेशियर जम गए हैं ऊपर, तो पानी अब आना ही नहीं है। वो बारिश जैसी थोड़ा थोड़ा पानी आएगा, जैसी थोड़ा थोड़ा पिघलेंगे, अब तो फ्रीज हो गए, थोड़े थोड़ा पिघलेंगे ना तो तभी यहाँ पर पानी आएगा। कम आ रहा है काफी, जैसे पहले आया करता था, पानी एकदम साफ है। पहले मिट्टी का मिट्टीला पानी आ रहा था, जब मैं अभी इसी साल अभी महीने आया था तो बहुत ही मटीला पानी था, क्योंकि ऊपर ना बारिश हो रही थी तो मटीला पानी था। अब जो है ऊपर बारिश नहीं हो रही, और ना बर जो भी ग्लेशियर जो है, जैसे ग्लेशियर से आता है पानी, तो ग्लेशियर जम गए हैं और वहां से जो है अब थोड़ा ही थोड़ा पानी आ रहा है। जैसे जैसे पिघलते रहेंगे थोड़े थोड़े, वैसे ही पानी आता रहेगा। तो अब दोस्तों ये जो चल रहा है, ये हनुमान चट्टी बोलते हैं, ये हनुमान चट्टी आ गया और हम जा रहे हैं आगे की तरफ। ये हनुमान चट्टी है जो बद्रीनाथ जी का पहला पड़ाव है, हनुमान चट्टी वो ये। तो ये जो भी गाड़ी वाला जा रहा है ना सामने, वो बिल्कुल गड्ढे में कूदा के और भाड़ बिल्कुल फास्ट जा रहा है, यानी कि मैं ऐसे तेल रहा है, बिल्कुल उड़ा के जा रहा है, जैसे जल्दी हो कहीं के आराम से जाए। गड्ढे में तो मंदी कर ले कम से कम, जो गड्ढे हैं उनसे तो मंदी कर ले। और देखो ऐसे तेल रहा है, बिल्कुल तेल रखी है गाड़ी। तो दोस्तों ऐसे लोग भी मिलते हैं यहाँ पे, मिलेंगे तो ये पहाड़ी लोग हैं, तो भैया पहाड़ी लोग तो आपको पता ही है खतरनाक ही होते हैं, चलाते भी गाड़ी वगैरह खतरनाक ही है। और जो निकल के है ना,
काफी हद तक जा रहा है। तो अब चलते हैं आगे, आगे लैंडस्लाइड जोन है, बोर्ड पर लिखा है दोस्तों आगे लैंडस्लाइड जोन है, तो आराम से चलिए और धीरे चलिए और सेफ चलिए। तो हम तो ज़्यादा 40 भी नहीं चल रही गाड़ी, 40 भी बहुत मुश्किल से चल रही है, और हम तो आराम से चल रहे हैं। तीसरा गियर भी नहीं लग रहा, कभी कभी तो मैं दूसरे गियर में ही चल रहा हूँ आगे तक ही, काफ़ी आगे तक। तीसरा गियर बहुत मुश्किल से लग रहा, अब मैंने तीसरा गियर लगाया है। और ये जो आपके आगे, मेरे जो आगे जा रही है ना गाड़ी, i10 बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहा है बेचारा, आराम से चला रहा है, कोई जल्दी नहीं, सबको रास्ता दे रहा है कि जाओ जिसको जल्दी आगे जाओ। दोस्तों ये है लैंडस्लाइड जोन, यहाँ पे काफी तगड़ी लैंडस्लाइड होती है और ऊपर से पत्थर काफी बड़े बड़े आते हैं। यहाँ पे मैं तो कई साल से आ रहा हूँ, और मैं तो अभी उस समय से यानी कि 2018 से तो रेगुलर ही आ रहा हूँ, 2 धाम या 4 धाम तो कर ही रहा हूँ हर साल। तो यहाँ पे मेरे को हमेशा ऐसे ही मिलता है, यहाँ पे जो है ना पत्थर गिरते ही रहते हैं, लैंडस्लाइड जोन है काफी हद तक। और देखो यहाँ पे पहले से ही ऐसे है और अभी ऐसी है, बना रहे हैं पुल, बना दिया इन्होंने, यहाँ का भी इलाज बांध रहे हैं जो रोड बनाते हैं। दोस्तों जो सामने देख रहे हो ना, यहाँ भी एक छोटा छोटा नहीं काफी बड़ा लैंडस्लाइड जोन है। और देखो उन्होंने पहाड़ जो ऊपर से पत्थर लाए ना, उन्होंने दीवार लगा दी आगे तक ही, और अब नहीं आएंगे, आएंगे तो पर इतने नहीं आएंगे, काफी हद तक बचाव होगा इनसे। देखो अब भी लगा ही रहे हैं, बड़ी दीवार लगा रहे हैं, पत्थरों से ही बना रहे हैं, जाली में पत्थर बांध के और उसको लगा रहे हैं अभी। दोस्तों ये भी एक लैंडस्लाइड जोन है, यहाँ भी लैंडस्लाइड होती रहती है, और ये सामने से ना सामने से पत्थर गिरते हैं, तो सिंगल सिंगल गाड़ियां आती है, अब हम इनके पीछे लगा लेते हैं क्योंकि एक गाड़ी जा रही है वो अटक गई शायद। देखो यहाँ पे पत्थर गिरते हैं और ऐसा बंजर है यहाँ पे, देखो तो पानी आ रहा है, तो पानी नीचे से जा रहा है, और यह है यहाँ पे सारे पत्थर अटक जाते हैं यहाँ बड़े बड़े, यहाँ हमेशा ही ऐसी होता है, मैं तो कई साल से देख रहा हूँ अब भी ऐसी है। तो दोस्तों ट्रैफिक जाम, सामने वाली गाड़ी आएगी तो ये निकलेगी, और देख भी है ये भी कच्चा हो रहा है, गिर ही जाएगा क्योंकि ना यहाँ पर कच्चा पहाड़ है ये। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम ऐसी है। अच्छा UP 14 ये गाजियाबाद के है, इसमें ना गाजियाबाद के आराम ही होते हैं, मानते नहीं किसी की भी, और जगह काफी बच रही है पर वो आगे लाई नहीं रहा, डर रहा है वो, यानी कि डर रहा है वो, और डरनेस का लाजिम भी है क्योंकि आगे का रास्ता ही नहीं है, तो निकालेगा कहां से। ओ यहां से आती है देखो दोस्तों, ऊपर तक है पूरी, देखो GoPro मार तो रही हो। ये अपने गाजियाबाद वाले तो अटके हुए हैं, चलो हो गया काम, हो गया। फौजी आए, फौजी तो खुलवा ही देते हैं रास्ता, ये तो पता नहीं क्या क्या करा सकते हैं अपने फौजी भाई है। अब ये भी अटक गया, मारती है 100 वाला,
अच्छा अच्छा भैया बैठेंगे इसमें। फौजी जा रहे हैं। ये कोई भी आ सकता है यहाँ तो, और कहीं भी जा सकता है। उत्तराखंड तो सबके लिए सेम है और सब घूम सकते हैं। हम भी घूम रहे हैं, हम भी बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और ये कुछ भाई लोग हैं, उत्तराखंड के ही हैं तो लोकल, और फोटो सेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम चल रहे हैं आगे, तो दोस्तों मिलते हैं आपको आगे चल के। दोस्तों यहाँ से जो है ना वन वे है, और एक एक गाड़ी जाती है, पहले इधर से जाएगी फिर उधर से आएगी। तो देखो यहाँ के पहाड़, और यहाँ पे जो है ना काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड जोन है। और देखो पहाड़ कैसे काट रखा है, बिल्कुल छतरी बना रखी है ऊपर। और यहाँ के आप ये देखो व्यू नदी के, अलकनंदा नदी के। यहाँ नहीं रोकना, यहाँ नहीं रोकना भैया, यहाँ नहीं रोकना, यहाँ ना पत्थर का थोड़ा हुआ तो आगे को रोक लेते थोड़ा सा। भैया का जो गोप्रो है ना वो हैंग कर गया, उसको ठीक कर रहे हैं, और ठीक करके चलते हैं आगे की तरफ। जो सामने आप पुल देख रहे हो ना वो हम पार करेंगे। बस भैया गोप्रो ठीक कर रहे हैं, ठीक क्या कर रहे हैं, वो हैंग हो गया, हो जाती है इसमें प्रॉब्लम। वो 4K में रिकॉर्ड करता है ना वो, तो आ जाती है कभी कभी दिक्कत हैवी। जैसे काम लेंगे आ जाती है थोड़ी थोड़ी दिक्कत, चलता रहता है ये तो। और दोस्तों अभी तक जो गाड़ी है ना 550 किलोमीटर चल चुकी है मेरी घर से, पावती से, विनोद के घर से। मैंने मीटर जीरो कर दिया था, मैंने ट्रिप ए जो है वो मैंने जीरो करा था। और विनोद के घर से यहाँ तक 535 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक गाड़ी। और 2 बार पेट्रोल डलाया मैंने इसमें, एक बार 950, एक बार 950, हाँ 950 का ही समझ लो, वो भी 51 रुपया क्या जोड़ना, 950 का ही जोड़ लो। 2 बार पेट्रोल डलाया, और अभी मेरी जो टंकी है ना आधे से थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि फुल से ना सिर्फ 2 पॉइंट नीचे गिरी है। तो चलेगी अभी तो बद्रीनाथ धाम लेके जाएगी, और मेरे को जोशीमठ शायद लेके आएगी। मैं जोशीमठ में फिल कराऊंगा, यानी कि फुल कराऊंगा इसको दोबारा से। और देखो यहाँ जो है ना डैम बना हुआ है, ये डैम है, पानी रोक रखा है, और ये डैम बना हुआ है यहाँ पे। ये जो ना डैम बना रखा है उधर से ही पानी आता है, उधर से वहाँ पे टर्बाइन लगी हुई होगी, वहाँ से पानी निकलता है टर्बाइन के पास से होते हुए। और देखो जेपी ग्रुप ने बनाया हुआ है ये, जय बद्री विशाल, देखो जेपी ग्रुप ने बनाया हुआ ये डैम। ये है डैम, पानी नहीं छोड़ रखा अभी इसमें, थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ रखा है। और ओम नमः शिवाय इसमें लिखा है अंदर, जो जहाँ से टरबाइन से होते हुए पानी आता है ना वहाँ पे लिखा है ओम नमः शिवाय। और देखो यहाँ होगा पानी, देखो पक्का मैं बोल रहा था ना यहाँ होगा पानी है। देखो पानी देखो साफ कितना है, एकदम क्लियर पानी है, क्लियर वाटर, ऐसा जैसे बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि क्लियर इसलिए है, ऊपर तो पारी बारिश तो हो ही नहीं रही ना, बारिश जब होती है ना जब मटीला पानी हो जाता है। अब तो ग्लेशियर जो है ऊपर, ग्लेशियर जो जम चुके हैं और जो जमने वाले हैं, अभी तो कुछ नहीं जमे, अभी तो बहुत जमेंगे, जो ग्लेशियर जम चुके हैं तो वहां से जो पानी अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पिघल रहे हैं वो थोड़े थोड़े, तो थोड़ा थोड़ा ही निकलता है वहां से। पहले भी ग्लेशियर से आता था, पर बारिश की वजह से ना वो पानी मटीला हो जाता था, मिट्टी जैसा, अब नहीं होगा। अब तो ना अगर जो बारिश होती है हल्की सी फुल, जो भी हल्की फुल्की बारिश होती है तो ये गंदा होगा, नहीं तो ऐसी साफ रहेगा पूरी सर्दी।
और पानी भी कम होता रहेगा। और अब तो हरिद्वार में भी एकदम क्लियर वाटर पहुंच रहा है क्योंकि बारिश नहीं है ना, वही मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, बारिश नहीं है तो बारिश की वजह से होता है। अब तो चलते हैं दोस्तों आगे और आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों अब जो है ना बड़ी बड़ी चढ़ाई आएंगे यहाँ से, वो सामने से हमें चढ़ना पड़ेगा, दो तीन चढ़ाई है, ऐसे और ऐसे और ऐसे ऐसे जाना है। तो हम लोग ना अभी जो बड़ी बड़ी चढ़ाई है ना वो चढ़ेंगे। हम क्या चढ़ेंगे, बाइक पे मैं बैठा हूँ, बाइक मैं चला रहा हूँ तो बाइक चढ़ेगी, मैं चढ़ाऊंगा उसको, चढ़ाई पूरी करेगी। और सरना है बहुत बड़ा, मौसम भी बहुत ही ज्यादा स्लस आता है, स्लस मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थर आते हैं वहां से भी। मैं ऊपर जाके दिखाऊंगा भी, जो ये जो चढ़ाई है ना ये चढ़ते हैं ऊपर जाते हैं इससे, और आपको आगे जाके दिखाते हैं। देखो सामने पुल भी है, और चढ़ता हूँ मैं पहले ये क्लियर करता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो चलो दोस्तों, मैंने जो है ना वो जो चढ़ाई में बोल रहा था वो मैं चढ़ चुका। और देखो जो मैं सिलस की बात कर रहा था ना, किधर से आती है बड़े बड़े, वो इधर से आते हैं। देखो इधर से आते हैं पत्थर, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर आते हैं यहाँ से, और काफ़ी स्लैश होता है इसमें, और बारिश के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होता है इसमें। मैं बारिश के टाइम में आया था एक बार, बारिश के टाइम में क्या बारिश था, मैं एक बार मई जून जुलाई में आया था, और देखो इधर से आते काफ़ी पत्थर बड़े बड़े, ये जो है बहुत तो बड़े बड़े पत्थर आते हैं इसमें से, और पानी काफ़ी रहता है ये एक तरह से, बहुत ज़्यादा पत्थर आते हैं इधर से। और ऊपर भी गांव है, देखो वहाँ गांव है, कोई गांव का रास्ता बना रखा है ये, वैसे लोग बना रखा, और सामने गांव है, गांव तो नहीं है, दो तीन घर है वहाँ पे। उधर से बहुत पानी आता है, जब बारिश होती है ना बहुत पानी आता है इधर से। हम एक जगह आकर रुके हैं, और यहाँ पे देखो पीछे का व्यू देखो, और भाई तो डांस कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, थोड़ा आगे चल के मिलते हैं आपको। बस यहाँ से जो ना बद्रीनाथ धाम रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर, 15 या 12 ऐसी रह गया। तो चलते हैं आगे, और अपनी सेनी खड़ी है यहाँ पे, और लेके चलते हैं इसको आगे। और